Guys, how are you? So welcome to my channel, or this is your lecture number first of approximations. Application of derivative का ये topic है, इसको मैं दो parts में divide करने जा रहा हूँ. So पहला part को आज मैं यहाँ introduce करने जा रहा हूँ आपके आगे. I hope आपको ये lecture पसंद आएगा, और please copy pen लेके बैठिएगा, हर point को बहुत अच्छे से note कीजिएगा. Thank you बेटा. Guys, अब हम देख रहे हैं approximation क्या होता है. सपोज मैं आपको एक फंक्शन दूं जिसका मैं आपसे आंसर चाहूं, डेट इज़ अंडर रूट 36, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली 6 दे देंगे, है ना. सपोज मैं एक दूसरा फंक्शन आपको दूं और मैं इस बार आपसे आंसर मांगूं 36.06 का, तो आप कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया देंगे और आप बोलेंगे 6.0 समथिंग टाइप, है ना. तो एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है. तो अभी तक हमने क्लास 12 से पहले जितने भी हमने देखे थे आंसर, ये तो हम 6 बोल सकते थे, लेकिन इसका हम एक अप्रॉक्सीमेशन में आंसर दे देते कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना. लेकिन अब क्लास 12 में अप्रॉक्सीमेशन आने के बाद अब इस चीज़ का क्या आंसर होगा, डिट्टो वो आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है. तो ये तो वो चीज़ है जिसका आंसर आप दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरी इन्वॉल्व है, हम पहले उसको कवर कर लेते हैं. वो एग्जैक्ट क्या है वो देखिए. लेट से यहाँ पे कोई फंक्शन है fx जिसका वैल्यू है y, ठीक है. अब आपके फंक्शन में अगर मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा x चेंज कर दूँ, इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन एक्स, अगर मैं एक्स में कोई बहुत छोटा सा चेंज कर दूं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो वाई आंसर है इसमें भी कुछ ना कुछ तो चेंज डेफिनेटली होगा. तो यहाँ पे ये डेल्टा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा. तो यहीं से हमारा अप्रॉक्सीमेशन का एक फॉर्मूला निकलता है, उसको आप देखिए. अगर किसी फंक्शन में जो कि एफ एक्स था उसमें एक छोटा सा चेंज डेल्टा एक्स हो जाए, तो फाइनल आंसर जो कि वाई होना था उसमें ये डेल्टा वाई प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे. तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप ढंग से, और एग्जैक्टली अब ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ये एग्जैक्टली चीज़ें क्या हैं, इन्हें जानने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी. सो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इस चीज़ का देखिए. लेट्स से कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन का एक कर्व यहां से जा रहा है, और वो टच कर रहा है आपके इस पर्टिकुलर कर्व को. दिस इज़ y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड दिस इज़ अ नॉर्मल टेंजेंट, ठीक है. तो अब यहाँ क्या होगा उसको देखिए. लेट से ये किसी पॉइंट पी पे टच किया आपके कर्व को इस टेंजेंट ने, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो होते हैं एक्स वाई. जैसे यहाँ से यहाँ तक लेके ये बाई चांस एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक लेके ये वाई है. अब लेट से इसके नेबरहुड में एक पॉइंट और बैठा है क्यू, तो कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट डेल्टा एक्स आगे गया है, और आपका ये कहीं ना कहीं पॉइंट डेल्टा वाई ऊपर की तरफ, इसमें भी चेंजेस आएगा. भाई जब आपने एक्स पुट किया तो आपका वाई आया, लेकिन जब आपने डेल्टा एक्स पुट किया आपका डेल्टा वाई आंसर आया, तो दिस इज़ डेल्टा एक्स, ठीक है. तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा बेटा वाई प्लस डेल्टा वाई. अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये सुनिए. लेट से ये पी और क्यू, अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू का स्लोप देखूँ, अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू का स्लोप आपके लिए फाइंड करूँ, तो वो आपका स्लोप आएगा डेल्टा वाई प्लस वाई. आपको पता है ये वाई टू माइनस वाई वन होता है, माइनस वाई करेंगे आप, वाई से वाई कैंसिल. सिमिलरली अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, तो जब आप डेल्टा एक्स प्लस एक्स में ये माइनस एक्स माइनस करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स.
और एक चीज आपको और पता है, अगर मैं स्लोप आपका डिफरेंशिएशन से भी निकालता हूं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम दो चीजों का डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी स्लोप आता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एक लिंक समझ में आ रहा है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं बराबर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स के। सो यहाँ से हमें डेल्टा वाई की वैल्यू जो मिली है वो है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो फाइनली अब हम अपने उस फॉर्मूले में वापस चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली ये और कैसे इन्वॉल्व होगा। तो अभी आपने देखा था कि फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और डेल्टा वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं वाई प्लस एफ डैश एक्स आपका जो भी फंक्शन है इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यही थी हमारी छोटी सी थ्योरी, और इसी थ्योरी के ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। आई वुड सजेस्ट यू आप किसी भी एक मेथड को यहाँ पे सीख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और मैं कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहा हूँ आपके लिए। अब इस लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहली जो टर्म है बेटा हमारी वो है एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में जब हम इंक्लूड करेंगे तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर पहला हमारा वर्ड होगा, उसमें हम क्या बोलते हैं एक्स में अगर कोई भी एरर होता है, एक्स में अगर कोई भी एरर होता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है इसको इन्होंने एब्सोल्यूट एरर का नाम दिया है। सेकंड जो टर्म आपको यहाँ पे दिखेगी वो होता है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को यहाँ पे रिलेटिव एरर बोला गया है कि एक्स की रिस्पेक्ट में आपका ये कितना एरर आया है, ये होता है छोटा सा मीनिंग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारी है वो है यहाँ पे परसेंटेज एरर। इसका बहुत यूज़ होगा अभी आप देखेंगे। तो परसेंटेज एरर आपका क्या होता है, परसेंटेज एरर इज़ नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 जब भी किया जाएगा तो आपका जो भी परसेंटेज एरर होगा वो आपका सीधे निकल आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, और इसको हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज़ करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे होती है आपकी थ्योरी ख़त्म। अब हम इंक्लूड करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं वो क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बोलता है एक सर्कुलर मेटल प्लेट है जो कि एक्सपेंड हुई है अंडर हीटिंग, और इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय 2%। ध्यान रखिए जब भी परसेंट की बात आएगी तो आपको परसेंटेज एरर वाले लिंक के बारे में सोचना है। एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया, डेफिनेटली परसेंट अप्रोक्सीमेट इंक्रीज बोला गया यहाँ पे, इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। सो लेट द रेडियस, अगर मैं रेडियस ऑफ प्लेट को क्या बोलूँ, रेडियस ऑफ प्लेट को अगर मैं आर ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। आपका जो रेडियस इंक्रीज हुआ है वो 2% है, और मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूँ कि भाई अगर मेरा आर रेडियस है तो कहीं ना कहीं डेल्टा आर जो मेरा होगा वो क्या होगा, चेंज इन रेडियस, ठीक है। यही थ्योरी में हमने पढ़ा था, अगर ओरिजिनली आर था तो हीटिंग के बाद जो चेंज आया वो है डेल्टा आर। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2% का इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था परसेंटेज एरर में, ध्यान होगा आप लोगों को। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इफ आई से कि दिस इज डेल्टा आर अपॉन, अब आप और देखें इस क्वेश्चन में तो जो रेडियस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 10 सेंटीमीटर का, तो इस आर की जगह अगर मैं 10 सेंटीमीटर पुट कर दूं या इंटू 100 कर दूं और जो परसेंटेज एरर है वो उसने मुझे 2% बता रखा है, तो
तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और डेल्टा आर आपके पास आएगा 2/10। तो ये थी आपका पहला लिंक जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से उसने आपसे क्या पूछा है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द एरिया। एरिया अब अगर रेडियस आर था और मैं एरिया को यहाँ पे ए पुट कर लूँ तो डेफिनेटली ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और जब मैं इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि यहाँ रेडियस के अलावा कुछ है नहीं आपके पास, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, अभी हमने जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने देखा था, जब मैंने आपको बताया था डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं ये सेम ही चीज़ें हैं, तो जो चेंज इन एरिया होगा आप उसको डी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दी चेंज इन एरिया। और यहाँ पे 2πr की वैल्यू 10 रखें और डी आर, डी आर इज़ नथिंग बट डेल्टा आर, आप इसको चाहें तो डेल्टा ए भी बोल सकते हैं, डेल्टा ए भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से 20π और आर की वैल्यू यहाँ पे 2/10, 10 से 0 कैंसिल, सो योर आंसर इज 4π। तो 4π वो वैल्यू आई है जो कि आपका एरिया चेंज हुआ है, आपका अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया पूछा गया था तो वो यहाँ पे 4π आ चुका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, इसमें अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, और इफ़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर एंड विद एन एरर ऑफ 0.3। तो कहीं ना कहीं इफ द रेडियस, अगर आप रेडियस है जो स्पीयर का रेडियस को अगर मैं यहाँ पे आर ले लूँ जिसकी वैल्यू उसने 9 सेंटीमीटर आपसे बोली हुई है बेटा, तो जो एरर होगा उसमें रेडियस में जो एरर है यहाँ पे, जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एरर आया है रेडियस में वो क्या है आपका, वो देखिए डेट इज़ डेल्टा आर और उसकी वैल्यू यहाँ पे 0.03 बोली गई है। यहाँ तक गेम बिल्कुल क्लियर होगा। सो रेडियस गिवन है, अप्रॉक्सीमेट एरर आपका एरर गिवन है, तो जब आप वॉल्यूम देखेंगे सो वॉल्यूम क्या होती है स्पेयर की, दिस इज 4/3πr³। ठीक है, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो ये आपको यहाँ पे क्या देगा, इट्स 4πr³ का आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप यहाँ 3 को 3 लिखेंगे, ये नीचे 3, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब अप्रॉक्सीमेट चेंज आप चाहे इसे डी वी लिखें, चाहे आप इसको डेल्टा वी लिखें, इट डजेंट मैटर, दिस इज 4πr की जगह आप यहाँ 9 का स्क्वायर लिखेंगे और दिस इज इस डी आर को आप डेल्टा आर बोल देंगे। ये आपका जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 4 इंटू दिस इज 81 इंटू 0.03, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा 9.72π। और क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात चल रही है तो क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात चल रही है और यूनिट भी इस बार आपको गिवन है तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आता है कि जो अप्रॉक्सीमेट एरर आएगा वॉल्यूम में यानी डेल्टा वी का जो आंसर आएगा वो आएगा 9.72π cm³। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। द टाइम टी इज अ कम्प्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय द इक्वेशन टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। यहाँ पे जी कॉन्स्टेंट है, वॉट इज द परसेंटेज एरर इन टी वेन एल इज इंक्रीज बाय 1%। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कौन है, परसेंटेज एरर इन टी बोल रहा है। अगर यहाँ पे टाइम को आप टी बोल रहे हैं तो जो यहाँ पे डेल्टा टी होने जा रहा है बेटा वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एरर, ये जो भी एरर होगा करस्पॉन्डिंग एरर जो भी एरर होगा टी में है ना, यानी टाइम में। तो कहीं ना कहीं आपसे वो परसेंटेज एरर इन टी की बात कर रहा है, तो वो आपसे डेल्टा टी अपॉन टी की बात कर रहा है और वो आपसे इस चीज़ का आंसर मांग रहा है यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर होगी।
अब देखते हैं आपको फंक्शन में और क्या-क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। यहां से अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो अब मैं क्या बोलता हूं, अगर लेंथ आपकी, अगर आपकी लेंथ उसने एल दी है तो ये जो एरर होगा लेंथ में, एरर इन लेंथ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इट्स डेल्टा एल। ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा उस लेंथ में। यहाँ तक भी गेम क्लियर है। अब क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, योर फंक्शन यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 2 पाई है और मैं इसको एल को 1/√2 लिख देता हूँ, और क्योंकि जी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि जी यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप अगर चाहें तो इसको भी जी के ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मैं लॉग लगा रहा हूँ दोनों साइड में, क्योंकि लॉग लगाऊंगा तो गेम थोड़ा मेरा इजी हो जाएगा। लॉग यहाँ लगाने से बनेगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग टी, और अगर मैं इस पूरे पे लॉग लगाऊंगा बनेगा 2 पाई एल की पावर 1/2 / जी की पावर 1/2। आपको पता है ये चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में हो जाएंगी, ये डिवीज़न में है तो ये माइनस में हो जाएगी। इसी चीज़ को आप लॉग 2 पाई प्लस लॉग एल की पावर 1/2 माइनस लॉग जी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। अब ये हो गया आपका लॉग टी, और इसको अगर आप हाफ को आगे लाना चाहें तो आगे भी आ जाएगा, दिस इज़ लॉग 2 पाई प्लस 1/2 लॉग एल माइनस 1/2 लॉग जी। ठीक है, अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ही इकलौता फैक्टर है, जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँगा इसकी, जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा इधर विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी का आपको पता है वो होता है 1/T, और देन जब आप इस टी का करेंगे तो बनेगा DT/DL। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएंगे 0। आपका जो इकलौता फैक्टर बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 1/2, ऐसा ही रहेगा, और जब आप लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/L। कहीं ना कहीं आपका DT/DL का जो वैल्यू आएगा वो आएगा T/2L। यहाँ तक कोई ट्रबल बेटा, यहाँ तक कोई ट्रबल तो नहीं है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि देखने लायक है। क्या आप यहाँ पे इस DT को, अगर मैं इस DL को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं इस DL को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ये बताइए। और चलिए अगर आप यहाँ शिफ्ट भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ शिफ्ट भी नहीं करना चाहते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका कहीं ना कहीं क्या मीनिंग है, इसका कहीं ना कहीं ये मीनिंग है, ये है DT मतलब डेल्टा T, दिस इज़ डेल्टा लेंथ इज इक्वल्स टू T/2L। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा, पर इस चीज़ को हम यही लिखते हैं, अगर आपको याद है तो इस चीज़ को हम यही लिखते हैं। अब यहाँ तक गेम को मैं रोकता हूँ। अब मैं आपके क्वेश्चन में अगर वापस जाऊँ तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, जो हमारा L था वो भी 1% इंक्रीज हुआ है। आपका L भी अगर 1% इंक्रीज हुआ है तो बहुत गौर से सुनिएगा, यानी आपके पास डेल्टा L/L × 100 का आंसर था 1। ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा समझने में इस चीज़ को। अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो डेल्टा L की वैल्यू आएगी वो आएगी L/, ये L ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एल का वैल्यू आ गया आपके पास कुछ ऐसा। यहाँ तक कोई ट्रबल बताइए बेटा, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है, वेरी गुड। सो अब इस क्वेश्चन में अब हम फाइनली कुछ करने जा रहे हैं, उसको आप बहुत गौर से देखिएगा। अब अगर इस टी को मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ तो ये बनेगा DT/T इज इक्वल्स टू DL/2L। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं, इस चीज़ को गौर से देखिए, जो हमें आंसर चाहिए था वो हमें आंसर में एग्जैक्टली यही चाहिए था, DT/T इंटू 100 और करना है और मेरा आंसर आ जाएगा सीधे। तो अगर मैं इस इक्वेशन में अब दोनों साइड
दोनों साइड अगर मैं 100 से इंटू करवाऊँ तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब डेल्टा एल की वैल्यू क्या ही है, एल अपॉन 100, 2L ऑलरेडी यहाँ पे नीचे था ही आपका, 100 से 100 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो इस पूरी चीज का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1/2। और क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया था तो आप इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर, परसेंटेज एरर इन टी जब आपसे मांगा गया है इस क्वेश्चन में, तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, नाउ यू गैस कैन सी दिस क्वेश्चन, आपसे ये पूछा था और आपने अल्टीमेटली इसी चीज का ही आंसर दिया है, 1/2%। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं गेम में आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें आपसे अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया मांग रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आपके सरफेस एरिया को, लेट दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर मैं उसको ए से यहाँ पे डिनोट कर दूँ तो कहीं ना कहीं वो आपसे अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया मांग रहा है, यानी वो आपसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेल्टा ए की वैल्यू। ठीक है, वो डेल्टा ए आएगा क्या वो भी हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे, बट फिलहाल तो यहाँ पे जो साइड्स हैं क्यूब की वो आपको एक्स मीटर बोला हुआ है, तो जो साइड है बेटा यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब, यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब बोला गया है वो आपसे एक्स मीटर बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो ये साइड है वो डिक्रीज हो गया है बाय वन परसेंटेज। तो जो परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इन 200। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बहुत कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अगर साइड आपकी एक्स मीटर है तो कहीं ना कहीं जो एरर होगा, जो साइड में जो एरर इन साइड है उसको आप डेल्टा एक्स बोलेंगे। तो यहाँ से उसकी क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इन 200 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 1% का डिक्रीज है, डिक्रीज यानी है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि यहाँ डिक्रीज हुआ है, अभी तक कोई डिक्रीज वाला क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी एक्स अपॉन 100, वो भी माइनस वाला। ठीक है, आप चाहें तो इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना चाहें तो भी ऐसे ही रहने दीजिए, आंसर में एज इट इज कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करूँ क्यूब के, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x2, और जब मैं यहाँ आपका डिफ्रेंशिएशन करवाऊँगा तो ये बनेगा dA/dx इज इक्वल्स टू 12x। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए dA यानी डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 12x, और ये dx यहाँ जाएगा तो ये भी डेल्टा x बन जाएगा बेटा, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब यहाँ पे x का इस बार कोई वैल्यू नहीं है, साइड का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 12x हो जाएगा, और डेल्टा x की जगह माइनस एक्स अपॉन 100 जब रखेंगे, सो ये आपको जो आंसर देगा वो आपको ये आंसर देगा माइनस का 0.12x2, और क्योंकि यहाँ एरिया की बात चल रही है तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे क्या बोलता है बेटा कि जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम है किसी मेटल की ऑफ अ हॉलो स्पेरिकल सेल हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 3 and 3.005 cm रिस्पेक्टिवली। सो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे डेल्टा वी पूछा है, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक रफ फिगर दूँ, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को आप वी पुट कर लें, और अगर आपका इंटरनल रेडियस जिसको अगर मैं आर बोलूँ,
अगर वो आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस जिसको मैं आपका आर ई बोलूँ, अगर वो यहाँ पे 3.0005 सेंटीमीटर है, तो जो चेंज इन रेडियस है यहाँ पे, जो चेंज इन रेडियस होगा जिसको आप डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना होगा? 3.0005 माइनस 3, तो वो कहीं ना कहीं आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0.0005 सेंटीमीटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको डेल्टा आर अपने निकाल लिया। अब गेम में कुछ नहीं है, वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dr, तो ये हो जाएगा 4πr² रीज़न, क्योंकि ये 3 यहाँ पे है आएगा, 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। और फर्दर आप इसको क्या लिखेंगे, dv को आप डेल्टा v लिख सकते हैं, दिस इज 4πr² इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, dr को डेल्टा आर लिख सकते हैं। अब रेडियस यहाँ पे आपका 3 है, 3 का स्क्वायर इज 9 और 9 इंटू दिस इज 36π, और ये आपके पास 0.0005, ठीक है। और फर्दर जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, दिस विल गिव यू 0.018 cm³ की वैल्यू, ऐसी लिख दीजिए cm³। सो दिस इज़ योर आंसर, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक MCQ बेस्ड मैंने प्रॉब्लम लिया है, जहाँ पे y = x^n है। आपको रेशियो देना है बेटा रिलेटिव एरर्स का इन y एंड x। तो जो रिलेटिव एरर्स होते थे, मैं आपको याद दिला दूँ, जो रिलेटिव एरर आपके होते थे, वो अगर मैं y में ढूंढ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं डेल्टा y अपॉन y की बात कर रहा हूँ, और यही रिलेटिव एरर की बात अगर मैं x के साथ कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कहीं ना कहीं डेल्टा x अपॉन x बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के रेशो की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे डेल्टा y अपॉन y और डेल्टा x अपॉन x की वैल्यू मांग रहा हूँ, और दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, x जाएगा सबसे ऊपर और अपॉन में आएगा y। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे इस चीज़ का आंसर मांग रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब अगर मैं इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँ, इस y का अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो dy/dx आपका हो जाएगा n(x^n-1)। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको पता है, ठीक है। इसको मुझे पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब मैं इस डेल्टा अपॉन वाई डेल्टा एक्स की जगह मैं अगर सीधे इसको पुट करूँ, तो ये हो जाएगा n(x^n-1) इंटू एक्स, और वाई की जगह मैं अगर इस वैल्यू को पुट करूँ, जो कि हो जाएगा x^n। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। अब अगर मैं इस x^1 को नीचे ले आऊँ, तो ये नीचे -1 में आ जाएगा और ऊपर से रिमूव हो जाएगा, आप इस पूरे को कैंसिल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा n=1। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब अगला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी एक MCQ ही है, और वो NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस बार भी आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ये जो भी अप्रॉक्सीमेट चेंज होगा, यानी डेल्टा वी आपको चाहिए, जहाँ पे इस बार जो आपकी साइड्स हैं, जो कि साइड है वो उसको आपको एक्स बोला गया है। तो अगर साइड आपकी एक्स है, तो जो एरर होगा साइड में, एरर होगा जो साइड में, उसे आप डेल्टा एक्स बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब क्योंकि जो साइड आपकी जो इंक्रीज हुई है वो 3% हुई है, परसेंट की बात यहाँ फिर आ रही है, तो परसेंटेज एरर के हिसाब से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इन 200 इस बार 3 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 3x/100। ये है पहली इक्वेशन जो यूज़ होगी। अब जब मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब में जाऊँगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ नथिंग बट x³, यानी साइड का क्यूब। जब आप dv/dx करेंगे, ये बनेगा 3x², और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा v = 3x² * डेल्टा x।
साइड का यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, तो आप इसको 3x² ही रहने दीजिए। डेल्टा एक्स आपका 3x/100 आया, यहाँ पे 3 × 3 9, 9x³/100, और ये कहीं ना कहीं आपको आंसर देगा 0.09x³ m³, जिसको मैंने ऑप्शंस में नहीं लिखा। तो ये आपका है, और कहीं ना कहीं जो आंसर आपका मैच कर रहा है, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, अब देखते हैं इसी के ऊपर अगला प्रॉब्लम। सो अगला क्वेश्चन जो हमने करने जा रहे हैं, ये भी CBSE में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 cm विद एन एरर ऑफ 0.03 cm, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वेरी इजी। सो इफ आई से द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को यहाँ पे वी बोल दूँ, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर को अगर मैं यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं आर बोल दूँ, जिसका वैल्यू 9 cm है, और जो एरर है, और जो एरर है आपके रेडियस में, अगर उसको मैं डेल्टा आर बोल दूँ, जो कि 0.03 cm है, तो आपको यहाँ वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए मतलब आपको यहाँ पे डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी यहाँ से क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr² और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बनेगा 4πr². आपको पता है ये 3 नीचे आएगा, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, जितना डिफ्रेंशिएशन हमें आता है। अगेन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 4πr की जगह आपने रखा यहाँ पे 9, तो 9² हो जाएगा, और इसको आपने रखा है 0.3। तो ये आपको सॉल्व करके जो आंसर देगा वो देगा 9.72 cm³, और पाई को लिखना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ योर आंसर, 9.72 πcm³। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा।